हाय, क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने अपने सीमन का रिपोर्ट कराया, शुक्राणु की जांच कराई है, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना स्पर्म का काउंट होना चाहिए नेचुरली प्रेगनेंसी आने के लिए? तो आज बात करते हैं सीमन काउंट, मोटिलिटी और उन सभी पैरामीटर्स के बारे में जो नेसेसरी हैं ताकि आप अपने आप प्रेग्नेंट हो सकें, और वो क्या रिपोर्ट है जिस पे आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि सीमन एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या होता है जो प्रेगनेंसी आने में मदद करता है। सो आपने अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में देखा होगा कि कुछ रेफरेंस रेंज सामने लिखी रहती है। ये रेफरेंस रेंज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2021 में इशूड मैनुअल के हिसाब से ली गई है। और ये डिसाइड कैसे हुआ कि ये नॉर्मल या रेफरेंस रेंज है? ये उन सभी पेरेंट्स से, उन सभी मेल्स के सीमन सैंपल का है जिन्होंने अपने आप प्रेगनेंसी अचीव कर ली है। जिसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वैल्यू रेफरेंस रेंज से नीचे है तो प्रेगनेंसी होने का चांस शून्य है, आप अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। दूसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अगर एबनॉर्मल हो, वो आपकी रेफरेंस रेंज को मीट नहीं कर रही है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये देखना चाहिए कि क्या सीमन एनालिसिस सारे प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए कराया गया था या नहीं। क्या सारा सीमन सैंपल कलेक्ट हुआ था? क्या स्टेराइल कंटेनर में हुआ था? आपस में रिलेशन बनाए हुए या एब्सटिनेंस का 2 से 5 दिन का टाइम था या नहीं? किस जगह पे टेस्ट कराया गया है? वही लोग, स्पेशली जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सीमन सैंपल हैंडलिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस करते हैं। तो आपका सीमन सैंपल अगर सही जगह पे हुआ है, सही जने ने रिपोर्ट किया है, तो उस पर रिलाय किया जा सकता है। और क्योंकि सीमन पैरामीटर्स जो हैं वो ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो सकते हैं, वो आपकी एक स्पर्म साइकिल जो है उसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं। एक शुक्राणु बनने में करीब 3 महीने लेता है, तो आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज रूटीन सब डिटरमिन करता है कि स्पर्म का जो पैरामीटर्स है वो कैसे होंगे। तो कोई भी अबनॉर्मल रिपोर्ट को एक बार ज़रूर रिपीट कराना चाहिए बिफोर एक्चुअली हम कंक्लूड कर सकें कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिसी है या नहीं। अब सीमन पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो हमारी रेफरेंस रेंज कहती है कि वॉल्यूम जो है वो 1.4 मिलियन होनी चाहिए, काउंट जो है वो एक इजैकुलेंट में 39 मिलियन होना चाहिए, पर ml की बात करें तो 16 मिलियन पर ml होना चाहिए, मोटिलिटी 40% होनी चाहिए जिसमें से प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, रैपिड मोटिलिटी जो 32% होनी चाहिए, और मॉर्फोलॉजी 4% होनी चाहिए। इन सब बातों का क्या मतलब है? आपका सीमन वॉल्यूम का अमाउंट 1.4 ml एडिक्वेट माना जाता है, यानी अगर 100 स्पर्म है तो उसमें से 4 ही होंगे जो स्ट्रक्चरली नॉर्मल होंगे। इसकी नॉर्मल वैल्यू ही अपने आप में लोअर साइड पे है, क्योंकि जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज वाइल रेप्लिकेशन आ जाते हैं, बट 4% इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल रेफरेंस रेंज। तो इन सब पैरामीटर्स में से कौन सा वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस जो प्रेगनेंसी आने ना आने से संबंधित होता है? तो देखिए, इन सब फैक्टर्स का लेखा जोखा होता है टोटल मोटाइल फ्रैक्शन। हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कि आपके सीमन सैंपल में अच्छी गति वाले एक्चुअली स्पर्म्स हैं कितने, जो डिसाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो मान लीजिए आपका स्पर्म काउंट जो है वो x मिलियन पर ml है और आपका जो मोटिलिटी कंपोनेंट है वो y है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें बताएगा कि आपके स्पर्म का मोटाइल फ्रैक्शन कितना है। अब इसके लिए अगर आपका काउंट और मोटिलिटी कम साइड पे है, तो आपको माइल्ड मेल फैक्टर के कंसिडर करते हुए इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। पर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन यानी IUI के लिए भी ये TMC टोटल मोटाइल कंपोनेंट जो है ये होना चाहिए 5 मिलियन। तो इसका मतलब 5 मिलियन मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए प्री वॉश सैंपल में जिसपे IUI किया जाए। अगर ये इससे लोअर है तो IUI के सक्सेस रेट फॉल कर जाते हैं। हालांकि करने को तो और डेटा भी, साइंटिफिक डेटा जो है वो 2 मिलियन पे भी अवेलेबल है, बट प्रेगनेंसी के चांसेस विद एवरी IUI साइकिल वुड बी वेरी लेस। सो उन केसेस में बेटर रहता है कि वो IVF या ICSI की तरफ जाए। तो आपका जो सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस दैट यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट,
और स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर फीमेल पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है। अगर असेसमेंट नहीं हुआ है तो फीमेल पैरामीटर्स को असेस कराइए कि एग ठीक बन रहा है, ट्यूब ठीक है या नहीं, और यूट्रस एंड ओवरीज आपके अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये सब कुछ यदि ठीक रहता है और आपको ट्राई करते हुए बहुत टाइम हो चुका है तो आप इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए जा सकते हैं। अगर आपके सीमन पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ कम आए हुए हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें इन्फेक्शन रूल आउट करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन नहीं है और आपका TMC 5 से ऊपर है तो भी आप इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन के लिए जा सकते हैं। बट अगर सारी चीज़ें ठीक है और सिर्फ सीमन पैरामीटर्स में आपका TMC कम आता है तो ऐसे में देर मत कीजिए और IVF ICSI के लिए जाएं। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं नेचुरली प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड या सीमन एनालिसिस से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।